नमस्कार केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव गंज बासुदा, ग्यारसपुर के विधायक श्रीमती रीना जैन, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जादून, वरिष्ठ नेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी, जनपद अध्यक्ष ग्यारसपुर श्रीमती रजनी लोधी, ग्यारसपुर मंडल प्रभारी श्री राजेश जैन, मंडल अध्यक्ष श्री राजेश यादव, पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन एवं अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। ग्यारसपुर से रितेंद्र अहिरवार की रिपोर्ट। ग्यारसपुर नगर में थाने का लोकार्पण किया है और ये जनता के लिए समर्पित है। यहाँ से जनता को सुविधा माननीय प्रधानमंत्री की योजना आपके बारे में आपने बताया, आप लोगों से विस्तार से बताया। हमारी सरकार किसानों के लिए 0% पर ब्याज देती है और इससे किसानों को ये सुविधा होती है काम का जिस क्षेत्र में देखा में सिंचाई की कोई ऐसी बड़ी परियोजना नहीं है जिससे कि 12 महीने किसान कृषि कर सकें। काफ़ी समस्या हो जुड़ी है, पानी की समस्या के बारे में हम सर्वे करा रहे हैं और जो भी उपयुक्त होगा उसको हम मध्य प्रदेश सरकार को भेज कर किसानों की समस्या को। सांसद जी, एक समस्या और बहुत बड़ी है, यहाँ पर तेंदुए और शेरों की, वन विभाग बाद में आता है जब आदमियों को नुकसान हो। ये आपने मुझे जानकारी लाए हैं, वन्य प्राणी की जो समस्या है मैं बात करूंगा वन्य प्राणी के अधिकारियों से, उसका कोई सकारात्मक। ग्यारसपुर में ऐतिहासिक इमारतें काफ़ी संख्या में, इसके बावजूद यहाँ पर पर्यटन स्थान घोषित नहीं हो पर क्या कारण है? ये तो मुझे जानकारी नहीं है क्या कारण है। अगर पुरानी इमारतें हैं, मुझे अभी एसपी मैडम ने भी बताया कि थाना भी 1939 में बहुत पुराना थाना होगा किसी ज़माने में, तो मैं ये दिखवाता हूँ और पर्यटक लोग से बात करूँगा, पर्यटक विभाग से ठीक। वैसे आप चाहें तो मुझे लिख के भी भिजवा दें कि कौन कौन सी इमारतें हैं, तो मैं उसको और ये नए थाने की नया थाना खुला है, नया स्टाफ मिलेगा क्या मैडम? आज माननीय सांसद महोदय द्वारा थाना ग्यारसपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण माननीय विधायक और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के उपस्थिति में किया गया। मैं इसके लिए ग्यारसपुर की सभी जनता को तथा मेरे ग्यारसपुर थाने के स्टाफ को बधाई देती हूं और आपको कहना चाहूंगी कि हम पुलिसकर्मी ग्यारसपुर थाने की जनता को अधिक से अधिक कार्य करके इस नए थाना भवन के आने से हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी, ऐसा आशा करती हूँ। साथ ही जैसा आपने कहा, हम कोशिश करेंगे कि हमारा थाना स्टाफ बढ़े। अभी हमको 36 नवारक्षक मिले हैं जो ट्रेनिंग के उपरांत सभी थानों में जाएंगे। महिला का जिक्र कर रही है, यहाँ एक महिला डेस्क के लिए एक पृथक कक्ष है जहाँ महिला स्टाफ लगभग 14 घंटे कार्यरत होगा, तो कभी भी किसी महिला को कोई दिक्कत है तो उस महिला डेस्क में मैं आकर अपनी समस्या का निवारण कर सकती हूँ। और ग्यारसपुर थाने के नवनिर्मित भवन से हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। ग्यारसपुर को कितने सालों बाद नया थाना मिला है और नई सुविधाएं मिलेंगी? 82 लाख रुपये की लागत से ये भवन का निर्माण किया गया है और लगभग 50 से अधिक वर्षों के बाद ये थाना भवन हमको मिला। इस गरिमामय प्रोग्राम में जिसमें कि हम ग्यारसपुर पुलिस थाना के नवीन थाना भवन का लोकार्पण करने के लिए यहां पर हमारे बीच में लगभग 90 साल जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी उसके स्थान पर नए भवन का लोकार्पण किया है। उसके मुख्य अतिथि अपनी सहजता से, अपने व्यवहार कुशलता से और अपनी कार्य कुशलता से हम सबके मन में आच्छादित होने वाले माननीय सांसद रमाकांत भार्गव जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती रीना जैन जी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी, यहाँ के जनपद की अध्यक्षा श्रीमती रजनी लोधी जी, सांसद प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित मंच पर आसीन श्री कैलाश रघुवंशी जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी और हमारे
ईश्वर की कृपा हुई और मामा चौथी बार मुख्यमंत्री बन के लौटे तो विकास काम शुरू हो गया। हमारे विधायक जो गिना रही थी ये शिवराज जी की सरकार में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं विकास के काम, जनहित के बहुत से काम हो रहे हैं। अब कहीं ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, हम सोसाइटियों के माध्यम से, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क अनाज देते हैं कि नहीं देते, एक रुपये किलो से देते हैं। ये योजना गरीबों के हित की है। कभी कभी तो अगर कोई कह देता है कि भैया कुछ नहीं मिल रहा, तो अगर अपन ये अगर पूछ लें तो हर घर को कुछ ना कुछ मिला है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।